एक अलग और अच्छी चीज। जब हमारा मुंडा इतना अच्छा है तो हम चाइनीज की पसंद करें। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बारात पर नात पढ़ने वाला वायरल कपल अहमद और लायब कपल है पाकिस्तान का, जो अपनी ही शादी पर कुछ नात पढ़ने लगा और वायरल हो गई वो चीज़। तो देखते हैं कौन है ये कपल, किस तरीके से, मतलब एक एंटरटेनिंग टाइप का लग रहा है मुझे सुनने में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवर के न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। मेरे साथ 18 साल के एक लड़का और लड़की मौजूद हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में प्यार भी कर लिया, शादी भी कर ली। अब लड़ाई कब कर रहे हैं वो तो मैं उनसे ही जानूंगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, इनकी रुखसती थी और अपने रुखसती वाले दिन लोग सिंगर्स बुलाते हैं और बड़ा कुछ गाने वगैरह करते हैं, लेकिन ये नात पढ़ रही थी। से वजह जानते हैं कि क्या वजह थी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैंने कपल का इंटरव्यू करना था तो वो कपल को काइंडली बुला दें। अच्छा, इतने शर्मा के कह रही है हम ही हैं, तो 18 साल की उम्र में शादी करने से शर्म नहीं आई थी? अभी आप बताते हुए शर्मा रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें शर्म कैसी, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि आपका बेटा या बेटी बालिग हो जाए तो आप फौरन निकाह कर दें। बल्कि शर्म तो इस चीज़ में आनी चाहिए कि जो लड़कियाँ या लड़के रिलेशन में रहते हैं, चार चार पाँच पाँच साल रिलेशन बढ़ाते हैं, डेट्स मारते हैं, पार्कों में जाते हैं, तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए, निकाह में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। हो जाते हैं फिर बुड्ढे हो जाते हैं। आपने तो वैसे हद ही कर दिया, 18 साल की उम्र में शादी कर ली, इनको मनाया कैसे आप? ये बहुत जल्दी कर ली। वैसे मैं गया था एक दिन, ये मेरी मामू की बेटी है, कराची की हैं और मैं लाहौर का हूँ जी। तो लाहौर में एकदम फिर बाजी मार ली, कराची की लड़की ब्याह के ले आए जी। जी बिल्कुल। तो ये ऐसी मैक्रोनी, इनको काफ़ी शौक है खाने का, तो ये काट रही थी सब्जी वगैरह मैक्रोनी के लिए, तो मैं भी फिर फन्ने का बन के गया, दिखाओ क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है GFC के नाम से इधर ही। तो जो है ना मैंने कहा दिखाओ मैं। GFC मतलब गर्लफ्रेंड कुछ टाइप? नहीं, गौसिया फूड नहीं। तो फिर जो है ना मैंने कहा कि यार दिखाओ मैं आपको काट के दूं जल्दी, क्योंकि इनके हाथ भी छोटे छोटे से हैं, तो घंटों लगी हुई हैं। इसकी उम्र भी बहुत छोटी है, सिर्फ हाथ छोटे नहीं है। तो मैंने कहा दिखाओ मैं काटूं, तो मैंने गाजर क्या काटनी, अपनी उंगली काटनी। तो फिर जो है ना इन्होंने काफी केयर करी और कहती है अहमद आपने ये क्या कर लिया, आप इतने फन्ने कहाँ बन के क्यों आए। और जो है ना मैंने फिर काट ली, फिर मैंने कहा यार कोई ना कोई तो बात है। ये तकरीबन जब हम 8-9 साल के थे तब से अटैचमेंट है हमारी। छोटी छोटी से थे, जब एक बार फर्स्ट टाइम कज़न की शादी में आए थे तब बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे, महीना दो महीना रुके थे, तो खेलना साथ, खाना पीना साथ, ये मुझे चीज़ें ला ला के दे रहे हैं। अच्छा, तो स्लैंटी बहुत ज़्यादा, स्लैंटी चॉकलेट्स वगैरह वगैरह। पहले तो कज़न थे ना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। वाओ, पहले की पिक्चर्स। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मल कज़न में खेलना कूदना तो होता है, तो वो कज़न वाली बात थी। इन्होंने भाई नहीं बोला, मैं अहमद टोली बोलती थी क्योंकि इनको टोली प्यार से बोलते थे सारे घर वाले। फिर उसके बाद मैंने अहमद से यही डिमांड करी, मैंने कहा अहमद रिलेशन हमने नहीं चलाना, आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द निकाह बेशक अभी हो जाए, रुखसती में भले 4-5 साल ले लेंगे जब तक हम अपना सब कुछ स्टडी वगैरह कंप्लीट। स्कूल जाते हैं तो टिफिन कौन पैक करके देते हैं? स्कूल नहीं जाते अभी, स्कूल नहीं जाते अभी, कॉलेज जाते बिल्कुल, कॉलेज जाते हैं फिर भी 11वीं 12वीं में FA कर रहे हैं ना? जी जी FA। हम 6 भाई हैं, तो जो है ना ये सवाल बहुत बढ़िया है ना, अब ये यही बेटी मिल गई। जी जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी आप कह रहे थे कि आप लोग 6 भाई हैं, तो आपका नंबर कौन? जी मैं सबसे छोटा हूँ। तो इतनी मतलब क्या आग लगी हुई थी कि सबसे एंड पे है आप और आपने शादी कर? नहीं सबकी होगी, बस एक जो बड़ा भाई है ना वो हमें देखते हैं ऐसे करके, वो तकरीबन 5 साल बड़ा है मेरे से, और वो कहता है कि यार मेरी नहीं हुई और ये देखो ये पहली करके। हाँ, उसकी नहीं हुई है। बहुत जल्दी ये हो जाएगी, कोई बहन है उनके लिए वो ही। नहीं मेरी कोई बहन, मैं भी इकलौती हूँ। वो बड़ा जलता होगा। अच्छा मैं देख रही थी आप लोगों की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आपकी रुखसती थी और रुखसती वाले दिन ये नात पढ़ रही थी, लोग इतने महंगे महंगे सिंगर्स बुलवाते हैं, गाने गलवाते हैं, नाच गाना होता है, तो आपके अंदर क्या मोटिवेशन थी या क्या राज था, मतलब क्या माइंड में था कि मैंने नात पढ़नी है गानों की जगह? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 साल की उम्र से नात खानी कर रही हूँ, और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा मुझे इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए, और मैं
बाय प्रोफेशन नाच खानी ही करती हूँ। पूरे पाकिस्तान में महाफिल भी करी हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बचपन से, तो इसमें अल्लाह ताला इतना मेहरबान जी जी। तो बस फिर इसीलिए अपनी शादी पे भी नाच शरीफ पेश की। क्या बात है, हमें ये अलग चीज थी हमारी व्यूअर्स के लिए, लेकिन अच्छी चीज थी जरूर। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, प्यारे आका का रोजा मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जज़ाकअल्लाह। अच्छा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी आपकी तरफ। और इसके अलावा अभी तो बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ है मेरा, दावतें चल रही हैं, इलायची वगैरह जी जी इनको देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर चाइनीज़ चीज़ें ही पसंद करते हैं। चाइनीज़ मुंडा क्यों नहीं पसंद? चाइनीज़ चीज़ें, चाइनीज़ मुंडा, जब हमारा मुंडा इतना अच्छा है तो चाइनीज़ क्यों पसंद करें? चाइनीज़ चीज़ें वो कहते हैं ना जल्दी ख़राब भी हो जाए, इसलिए क्यों, क्या मुझे बताएं कि लाहौर लाहौर है या कराची कराची है? ससुराल में होती हूँ तो लाहौर लाहौर है, कराची में होती हूँ तो कराची कराची है। लाहौर लाहौर है, लाहौर कराची का शोर है। लाहौर लाहौर है, कराची लाहौर का शोर है जी। इन दोनों की मैं इन दोनों के रिश्ते से होगा तो लड़ाई करवाऊंगी और करवाती हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि लड़ते कैसे हो आप दोनों आपस? नहीं लड़ते, तो गलत बात है, मियां बीवी और लड़ते ना हो कैसे हो सकते, फिर आप दोनों को अपने प्यार ही नहीं बस थोड़ा मुंह छू बन जाता है कि आपने ऐसे ऐसे करा तो फिर उसके बाद बस इस तरह आती है ऐसे ही जैसे मानती कैसे ये कुछ ना कुछ चीजें या गोलगप्पे, छोटे बच्चे हैं बात चीजों पे आके रुकती है, खाने की चीज ले आते हैं, स्नैक्स ले आते हैं, कोकोमो ले आते हैं, चीजें वगैरह। मुझे लग रहा है आप किसी मिशन पे आई हैं, पहले तो कभी हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई, आप लड़ाई करवा के जाएंगे ना तो मैं करवा के। अच्छा चलो मुझे आप ये बताओ। मैं क्यों बताऊँ, आप बताएं आपकी शादी हुई हुई है? मेरे नसीब आपके जितने अच्छे नहीं, जब भी आप हमारी लड़ाइयाँ करवा रही हैं पता है ना कि ना खेलने ना खेलने देना। जब भी आप बहुत ज्यादा जेलस पीपल हैं कि भाई इन दोनों की पहले हो गई और मेरी अभी तक कोई नहीं है। 17 साल की हूँ, एक साल रहता है मेरा, 18 की जब होंगे मैं भी शादी। 17 साल हम तो फिर तकरीबन 5-6 साल के होंगे इस टाइम पे। इसने गैप बता दिया अपना। कहीं भी मिलाद पे बुलाना हो तो लाजमी बुला सकते हैं। इसके अलावा हमारे दो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं, लाइबा फातिमा ऑफिशियल के नेम से और लाइबा फातिमा लाइव महफिल के नेम से। ये मेहंदी मैंने खुद लगाई है अभी और ये इनके काम है। कोई लगाने की मेरा हाथ खराब नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, कहा चलो अच्छी लगा दी, मोहब्बत से लगा दी। सड़ो सड़ो। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कपल है, छोटा सा कपल है। इनको ना खिलौनों से दूर रखें वरना इन्होंने शॉप पे जाकर रोने लग जाना है कि वैसे माशाल्लाह बाकी इन्होंने एक मिसाल कायम की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वाओ, अपनी शादी पे नात पढ़ना एक अलग और अच्छी चीज, यूनिक। ए लाइबा एंड अहमद,
मैंने 19 साल का एक कपल देखा था एक दो साल पहले, शायद उनकी निमरा असद करके जो था एक, ये है 18 साल में इन्होंने शादी कर ली, 18 के हैं दोनों। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा इंटरव्यू था। एक यूनिक चीज़ हमें इसके अंदर देखने को मिली कि अपनी ही शादी पर नात पढ़ने वाली लड़की थी, उन्होंने नात का प्रोग्राम किया, किसी सिंगर को नहीं बुलाया, किसी को मतलब इस्लाम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो सही चीज़ और अच्छी चीज़ रही, एक नात पढ़ी, एक इस्लामिक चीज़ को प्रमोट किया उन्होंने, कुछ गलत भी नहीं किया और अच्छा काम करके लोगों में वायरल भी हो गए और लोगों में तारीफ होनी बनती है, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़े तगड़े फंक्शन होते हैं, डांस वांस होता है और जश्न वगैरह होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये उन्होंने जो यूनिक काम किया, एक अलग सोच लिया कि हम यार नात पढ़ेंगे, तो वो एक अलग लेवल पर लेकर गई है इनको, और इनको बाकियों से अलग इसी चीज़ ने बना दिया कि इन्होंने नात का वो दिया। बाकी इंटरव्यू की बात करें, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू था, इनकी जर्नी को देखा, कहानी को देखा कि किस तरीके से इनकी शादी हुई, बड़े भाइयों को छोड़कर छोटे ने शादी कर ली और इकलौती लड़की, इनका प्यार और जो भी इनका रहता है, क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे कर रही थी, मतलब थोड़े इनको चढ़ाने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन जो एंकर थी बड़े तगड़े क्वेश्चन कर रही थी कि सबसे बढ़िया सवाल मुझे लगा कि यार जब लोग आप में से स्कूल जाते होंगे आप लोग, तो टिफ़िन कौन बनाता है एक दूसरे के लिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन वही लगा मुझे। और भी कपल्स हों जो अपने बुरे रिश्ते को, मतलब जो एक नाजायज़ रिश्ता बना लेते हैं लोग, बहुत सालों तक चलता है, भले ही उनके इरादे सही हों कि हम जाकर शादी कर लेंगे एंड में, लेकिन वो उसके बीच में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत गलत चीज़ें करने लगते हैं आपस में कुछ टाइम, काफ़ी टाइम तक जब वो रिश्ता चलता रहता है। तो बाकी उससे, बल्कि उससे अच्छा है कि शादी निकाह कर लो, बाकी आप जो करना है वो करो, अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है करते रहो, निकाह हो जाएगा तो वो जायज़ में आ जाता है, फिर वो सही रहता है। तो इनका, इनकी सोच बढ़िया लगी मुझे, अपनी कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये आपको वीडियो। करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।